लोग गौरवशाली इतिहास के साक्ष्य तो है ही, लेकिन आज हम लोगों को बहुत सारा चिंतन और मनन भी करने की जरूरत है। जैसे राजाओं और महाराजाओं के बारे में मैं जब आपको बता रहा था कि हमारे राजाओं के पास में हाथी थे, घोड़े थे, सब कुछ था, महल थे, बावड़िया थी, कुएं थी, खेत खलिहान सब कुछ था। लेकिन आज हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि आदिवासी राजा से रंक कैसे बने। हमें यह सोचने की जरूरत है कि आदिवासी महलों से झोपड़ी में कैसे आ गए, आदिवासी हाथी घोड़ों से पैदल कैसे हो गए, आदिवासी सदन से निर्धन कैसे हो गए, मालिकों से नौकर वो कैसे बने। इन सब चीजों का हिसाब भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, और इसलिए मैं कहता हूं कि समय के साथ में अपडेट्स हम लोगों को करनी पड़ेगी। सामाजिक क्रांतियां ऐसे ही नहीं होती, वैचारिक उद्भव भी इसी प्रकार से नहीं होता, उसको समय लगता है, बहुत समय लगता है, लंबा समय लगता है। और ऐसे समय में हम लोग जैसे कि बदलते वातावरण के साथ में बदलना और बदलते वातावरण की परिस्थितियों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पढ़ना एकमात्र जो है बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे बच्चों ने, हमारी पीढ़ी के लोगों ने करना चाहिए। जब तक हम लोग अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, दुनिया किस प्रकार से सोचती है, कहाँ जा रही है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए, किसी समय में हमारे राजा लोग राज वस्त्र धारण करते थे, आज हमारे लोग लंगोटी पर किस प्रकार से आ गए। आदिवासी किसी समय में नागरी संस्कृति के प्रतीक थे, वो जंगलों में कैसे आ गए। ऐसे कई सारे सवाल जो है जिनके जवाब मेरे अकेले के पास में बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए आज का जो हमारा जो भी दुश्मन है, वो हम लोगों से ज्यादा तकनीक जानता है, उसके वैचारिक पार्श्वभूमि हम लोगों से कई गुना ज्यादा है, सारी दुनिया का ज्ञान उस व्यक्ति ने अपने अंदर में समेट के रखा हुआ है, छल कपट से हम लोगों को पीछे धकेलते हैं, हम लोगों को तकलीफों में डालते हैं। और इसलिए हम लोगों को इस बदलते समय को समझना बेहद जरूरी है। वक्त जोरों से बदल रहा है, और इस प्रकार के बदलाव को अगर हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो हम लोगों का अस्तित्व फिर से खत्म हो जाएगा। और इसलिए आज हम लोगों के सबसे अच्छे बल क्या है, हमारे बल है हम लोगों के पास में समृद्ध संस्कृति है, हम लोगों के पास में समृद्ध इतिहास है, हम लोगों के पास में जो है गोंडवाना लैंड नाम का एक प्राचीन भूमि है, हम लोगों की स्वयं की भाषा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे समाज आज भी है जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनके अपने खुद का अस्तित्व नहीं है, ना उनकी खुद की भाषा है, ना उनके नाम का कोई लैंड है। हमारे पुरखों ने जो लैंड हम लोगों के लिए बनाया वो हमारी पहचान है, उसी से साबित होता है कि हम प्राचीन हैं और हम यहीं के हैं। इसलिए हम लोगों की संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी गोंडवाना लैंड या हमारी भाषा, इन चीजों का जतन समर्थन उतना ही करना जरूरी है जितना हम लोगों के लिए जिंदा रहना। और इसी पर हम लोग जो हैं, हम लोगों ने गर्व करना चाहिए। आज अमेरिका का एक बहुत बड़ा विद्वान जो है नोएम चौकसी नाम का, वो कहता है कि आदिवासी जो है इस दुनिया में जो आधुनिकीकरण का विरोध कर रहे हैं, वो जो है बहुत सारे फैक्ट्रीज है, मशीन्स है, विकास है, इसका विरोध करते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब वो इस धरती के संरक्षक हैं, इस धरती को वो लोग बचाना चाहते हैं, यहाँ के निसर्ग को वो बचाना चाहते हैं, जल जमीन का जो यहाँ पर बहुत बड़ा जो हनन किया जा रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं, वो पृथ्वी को बचाने का संरक्षक की भूमिका पार कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग इस धरती के संरक्षक हैं, हम इसके विध्वंसक नहीं है। और इसलिए आज हमको क्या करना पड़ेगा, आज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना पड़ेगा, और इस प्रकार से पढ़ाना पड़ेगा जिसमें, जैसे मैंने कहा, शास्त्रों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द जो है आज की दुनिया चलती है। तकनीक को समझना वो भी उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब तक ये तकनीक हम लोगों के समझ में नहीं आएगी, हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएंगे, और समय के साथ हम लोग कहीं जो है दब जाएंगे। इस चीज़ को उतनी ही बारीकी से हम लोगों ने समझना चाहिए। मेहनत करने से कोई इंसान मरता नहीं है, पर हमें भी हमारे समाज के लिए जो है मेहनत करना चाहिए। अगर हम लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, जिस दिन मेहनत करना छोड़ देंगे उस दिन हम लोग खतरे में आ जाएंगे। और इसीलिए हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, हम लोगों का ये कहना है कि हमारे समाज में जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े विद्वान ही हो। मैं तो आप लोगों से सीखा है, मैंने बताया कि गोंडवाना दर्शन के माध्यम से जितने भी जो है कार्यक्रम हुए उसमें से सारे वीडियोस में लगभग देख चुका हूँ, और इसलिए छोटी सी छोटी जानकारी भी जो है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।